हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं कराने वाला हूँ आरवी ट्रेड पेपर 26 अक्टूबर 2019 को जो पेपर लगा था चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ आरवी भर्ती का पेपर। तो चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके जीके के 15 क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिफेंस लेवल की प्रत्येक जानकारी यहाँ दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था पी गोपीचंद किस की क्वेश्चन क्या था पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके आया था, इसका जवाब आप जल्दी से सोचिए और फिर इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा, जल्दी से आप सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन कोच, यानी पी गोपीचंद वो बैडमिंटन कोच थे। इसका आपको स्क्रीन पे दिया गया विस्तार से जानकारी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी। इसका जवाब आप सोचिए, इसका सही जवाब होगा, जल्दी से आप सोचिए फिर मैं दे रहा हूँ इसका जवाब। इसका जवाब होगा कोलकाता। इसकी जानकारी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो संपूर्ण जानकारी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था मणिपुर की राजधानी क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके आया था, इसका जवाब जल्दी से आप सोचिए। इसका सही जवाब होगा इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलो इसका जवाब दीजिए, आप देखते हैं कि आप जवाब सही देते हैं। चलो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी किए। अगला आया था अंग्रेज भारत कब आए थे, यानी अगला क्वेश्चन था अंग्रेज है वो भारत कब आए थे। इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, इसका सही जवाब होगा अंग्रेज 1608 में भारत आए थे, जिसकी जानकारी आपकी विस्तृत आपके सामने है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आप सबको पता होगा भारत की जो प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी वो थी कौन थी, आप सबको पता है, जल्दी से उत्तर सोचिए इसका। इसका सही जवाब होगा कल्पना चावला, क्या होगा कल्पना चावला होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन आया था भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हमेशा ध्यान इसका जवाब दीजिए। चलो देख लेते हैं क्या आप जवाब सही देते हैं। इसका सही जवाब होगा गंगा नदी है, वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था क्या है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इसका जवाब तो आप सबको पता भी होगा, क्या होगा इसका सही जवाब होगा परमवीर चक्र, क्या जवाब होगा परमवीर चक्र। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या है ताजमहल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके आया था ताजमहल कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा आगरा, क्या होगा आगरा में स्थित है ताजमहल। अगला है कर्नाटक की भाषा कौन सी है, इसका जवाब तो सबको मालूम ही होगा। चलो देख लेते इसका सही जवाब होगा कन्नड़, क्या होगा कन्नड़ होगा। चलो अगला क्वेश्चन था कश्मीर का शहर आपके ऑप्शन में दे रखे थे, उनमें एक था जो कश्मीर का शहर था जो भी ऑप्शन में था इसमें श्रीनगर दे रखा था, तो उसमें आपको जवाब करना था श्रीनगर। ठीक है, कश्मीर का शहर कौन सा है आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था श्रीनगर था, और भी कई नगर दिए हुए थे लेकिन उनको नहीं आपका श्रीनगर था तो वो करना था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके आया था, तो ये तो सबको मालूम भी होगा, मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है चीन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, रूस है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है मोन बागान किस खेल से संबंधित है। मोन बागान आप सबको पता होगा ये किस खेल से संबंधित है, ये इसका जवाब होगा फुटबॉल एथलेटिक्स से संबंधित है। ये एक जो भी है मोहन बागान है ये फुटबॉल एथलेटिक्स से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ध्यान से दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब, आप हो सकता है आप गलत दे सकते हैं। राष्ट्रीय प्रथम वो थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सोनी नायडू। तो दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप ध्यान रखना, प्रथम सीधा महिला कहे तो एनी बेसेंट और भारतीय महिला कहे तो सरोजिनी नायडू। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते सूर्य क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, सूर्य क्या है ग्रह नहीं है बल्कि ये तारा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ट्रेड वाले पेपर में आए थे। वीडियो आपके कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आगे भी मैं
पीछे के जो भी मेरे पेपर अपलोड किए गए हैं वो देख सकते थे कि